गाइस, स्वागत है आप सबको फिर से मेरे चैनल में। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। सो आप सब मेरे वीडियो में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी, बहुत ही टेस्टी बनेगा क्योंकि आज हम दूसरी बार ट्राई कर रहे हैं। और आप सब मेरे वीडियो में एंड तक बने रहना। सर्दी जुकाम अभी भी खत्म नहीं हो रहा है और बाकी मेरे चिल्लर पार्टी जो है उन लोगों का भी यही हाल है, मेरे जैसे सेम। आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे चिकन दम बिरयानी और फिर बहुत टेस्टी होगा। आप लोग भी घर में बना के खा लेना। खा लेना। चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करने वाला है। चलो गाइस, बासमती चावल हमने 1 किलो लिया है और इसको हम अच्छे से धो के इसमें पानी में भिगो के रखेंगे। अभी ये जो प्याज है हमने अच्छे से काट लिया है, अभी हम इसको तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, हम यहाँ तेल डालेंगे। तुम लोग हम सो रहे हैं। अच्छा, गरम हो चुका है गाइस, मैं प्याज को डालूंगी। हाँ, प्याज डाल दिया। अभी इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर हम इसको अच्छे से पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आज बहुत गर्मी है गाइस, इतना गर्मी भी है आज, मतलब बहुत धूप है। हमारा जो ये प्याज है ये अच्छे तरह से पक चुका है, हम इसको अभी छन्ने की मदद से हम उठाएंगे। देखो जल रही है प्याज। अभी ये प्याज हो गया है, अभी हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर 1 किलो चिकन, हम इसको अभी मैरिनेट करेंगे गाइस। अभी हम चिकन को डालेंगे यहाँ पर। गरम होगा सही। अभी यहाँ पर हम हल्दी डालेंगे। हल्दी स्वाद अनुसार नमक। अभी हम यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे। अभी यहाँ पर लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च। अभी ये थोड़ा सा धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर। पाउडर जीरा पाउडर डालेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया, दही डालेंगे, थोड़ा सा ये जो हमने प्याज स्टफ फ्राई किया था ना इसको हम डाल देंगे, थोड़ा सा। हाँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे यहाँ पर। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा जो अभी चिकन है ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अभी हम चिकन को मैरिनेट करेंगे 1.5 घंटे के लिए, तो ऐसे ही रखेंगे हम ढक्कन लगाकर। 1.5 घंटा हो चुका है गाइस, ये हमारा मैरिनेशन कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको पकाते हैं। पकने लगा है देखो। हाँ, ढक्कन लगा देंगे गाइस। मैंने खाया था। वाह, बहुत टेस्टी खुशबू आ रहा है। इसको फिर से हम ढक्कन लगाएंगे। मौसम आज कितनी अच्छी है, हवा भी आ रही है और धूप भी है यहाँ पर भी। चलो मैं जा रही हूँ। मौसम गर्मी है फिर भी अच्छा है, हवा आ रही है। थोड़े देर पहले ही और गर्मी था। अभी हम चिकन को देखते हैं गाइस। देखो उबल रही है। मासी को देखो, बहुत काम कर रही है मासी। बहुत टेस्टी बनने वाला है। हाँ, हमने मेहनत से बनाया है ना। हाँ। अभी हम फिर से ढक्कन लगा देते हैं यहाँ पर। ये ढक्कन अभी अच्छे से पक चुका है, हम इसमें पानी डालेंगे। अभी मैं ढक्कन लगा देती हूँ ताकि ये जल्दी उबल जाए। ये हम बिरयानी मसाला तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा दालचीनी, इलायची, थोड़ा सा लौंग, थोड़ा सा जीरा। अब ये सभी मसाले को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। बिरयानी मसाला तैयार है अभी। लास्ट में हम बिरयानी मसाला डालने वाले हैं। बिरयानी मसाला डालने से अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी हम थोड़ी देर के बाद चावल को पकाएंगे, अच्छे से उबालेंगे मसाला वगैरह डालकर। अभी गाइस हमने चिकन को बना लिया है।
हम चावल बनाएंगे, चावल को उबालेंगे अच्छे से मसाला मिक्स करके। हम कढ़ाई डालने वाले हैं, चलो टेस्ट के पट्टे डालेंगे, दो टेस्ट पट्टा। जीरा डाल दिया, जीरा, दालचीनी डालेंगे, दालचीनी मीठा होता है ये, इलायची डालेंगे, काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल, ये जो चावल है वापस चिपके ना इसीलिए हो गया है, और थोड़ा सा धनिया डालेंगे, धनिया, हाँ। देखो उसमें थोड़ा थोड़ा रंग आ गया, ये पानी उबल चुका है, लग जाएगा हम पर। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से ताकि ये चिपके ना। हम 80% कुक करेंगे गाइस इसको, और फिर चिकन में इसको अच्छे से हम डालेंगे, हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। अब ये गाइस ये पक चुका है, देखो चिकन, अभी हम चिकन में डालने वाले हैं। वाव बहुत गर्म है गाइस, बहुत, देखो चपाट चिकन में डाल दिए। हाँ हम इसको बिखेर देंगे थोड़ा थोड़ा ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के लिए, नहीं तो ये चिपक जाएगा ना। ओ इसमें अभी हम ये जो हमने रख लिया था इसको हम डालेंगे, अच्छी से इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। थोड़ा सा हम धनिया ऐड करेंगे ऊपर के लेयर में, धनिया, देसी घी डालेंगे, घी ऊपर में ताकि हम पिघल चुका है ना, हाँ, घी ये पिघल चुका है। और ये जो प्याज हमने रख लिया था थोड़ा, इसको हम ऊपर में अभी डाल देंगे, और इसको अभी हम आग में लो फ्लेम में हम इसको पकाएंगे दम लगाकर, और थोड़ा सा रख देंगे 20 मिनट्स तक हम इसको रख देंगे। इसके बाद हमारा चिकन बिरयानी बनके तैयार है, ढक्कन लगा देते हैं। ये क्या है, ये मैदा है, हम इसको दम लगाएंगे ना, अभी हम इस पे लगाएंगे, देखो हमने दम लगा दिया। वैसे आप सबको हम दिखाने वाले हैं अभी कैसा बना है, कैसा बना है बिरयानी, बहुत टेस्टी बना है। सो अभी हम इसको उठाने वाले हैं आग से और देखते हैं कैसा बना है दम बिरयानी। नहीं रुको, ये गर्म है, बहुत गर्म है, अभी इसका ढक्कन निकालने वाले है। खाने का मन हो रहा है मुझे यार, देखो दोस्तों अभी हम इसको साइड से निकाल लेते हैं, कैसा बना है हम दिखाते हैं, स्वादिष्ट, अंदर से इतना स्वादिष्ट, वाव हमारा चिकन देखो। अभी गाइस हमारा जो बिरयानी है वो रेडी है, तुम सब खाने के लिए रेडी है ना सर? रेडी। ओके खाना किसा बना है? ओके अभी हम भी सबको बांट देते हैं। ये आयोंग है, आयोंग देखने के लिए आ रहा है। ये चिकन लेग पीस तुम्हारे लिए। अभी देखो हमारा चिकन बिरयानी इतना अच्छा दिख रहा है, तुम सब खाने के लिए रेडी है ना सर? देखो चिकन लेग पीस अच्छे से खाना, कैसा बना है? टेस्टी है ना है, तुम बताओ कैसा बना है? टेस्टी ना, खाते रहो अच्छे से, खाते रहो। एक नहीं आया है क्योंकि वो भी बीमार है, मम्मी सब नहीं आए है, हाँ बीमार है वो, बहुत टेस्टी है ना। पानी पियो, गले में अटक गए, पानी पियो, पानी पियो। सुपर टेस्टी, यम्मी यम्मी, यम्मी, यस। खाना चाहिए? मुझे चाहिए। ओके मैं खाना देती हूँ सबको। टेस्टी है ना? हाँ टेस्टी है। खाओ खाओ, टेस्टी।
अभी गाइस हमारा खाना खत्म हो चुका है, अभी हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे गाइस, मजेदार मजेदार वीडियो लेकर हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।